नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मानसून की दस्तक से देवभूमि के पहाड़ी जिलों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। अब तक हुई बारिश ने बहुत जगहों पर नुकसान पहुंचाया है, साथ ही कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पहाड़ों के टूटने के मामले तो सबसे ज्यादा सामने आए हैं, जिसके चलते बड़े पत्थर चलती गाड़ियों के ऊपर गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई है तो वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही बारिश के साथ हो रही आकाशीय बिजली ने भी कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसे में लोगों को बरसात के सीजन में सतर्कता बरतने की काफी जरूरत है। बात करें अगर नैनीताल की, तो अभी कुछ दिनों पहले ही ठंडी सड़क के पास भारी मात्रा में मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से जाम हो गई थी। गनीमत ये रही कि मलबा गिरने के दौरान कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा घटित हो सकता था। वहीं अब नैनीताल में ही एक और खतरा बना हुआ है। बता दें कि नैनीताल की फेमस माल रोड पर अत्यधिक दबाव पड़ने के बाद एक बार फिर लंबी दरार उभर कर सामने आई है। सरोवर नगरी में मल्लीताल क्षेत्र की लोअर माल रोड के पास आज कुछ जगहों पर दरार देखने को मिली। इससे पहले 18 अगस्त 2018 को भी इस रोड का कुछ हिस्सा टूटकर झील में समा गया था और अब एक बार फिर से लोअर मॉल रोड के टूटने का खतरा नजर आ रहा है। रोड पर जो दरार आई है वो लगभग 6 फीट लंबी है और 1 से 2 इंच चौड़ी है। इसके अलावा भी कुछ हल्की दरारें देखी जा सकती हैं। ग्रैंड होटल के ठीक नीचे आई इस दरार ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। स्ट्रीट लाइट खंभा नंबर 171 के पास आई इस दरार के अलावा कुछ अन्य दरारें भी देखने को मिली हैं। मानसून शुरू होने के बाद दरारों से पानी धरती के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद भूस्खलन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में माल रोड के इस हिस्से में खतरा पैदा हो गया है। अगर भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो ये पूरा क्षेत्र ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ माल रोड के ऊपर पड़ने वाला राजपुरा का हिस्सा भी खतरे की जद में है। ऐसे में इस सड़क से गुजरना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। विभाग जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लोगों को इस खतरे से बचाने के प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।